हाँ कि मैं एकदम गुड गर्ल बन चुकी हूँ और अभी खाना खाने का मूंगफली तैयार कर ली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मूंगफलियाँ तो कच्ची है, लेकिन मैं तो करती हूँ अच्छा था, मैंने खाया बहुत सारा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंजी राठौड़ व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे फिर से इन्हीं कपड़ों में व्लॉग, क्योंकि अभी तक नहा ही नहीं हूँ। लास्ट व्लॉग नहा के स्टार्ट किया था तो यही कपड़े थे, अभी तक नहा ही नहीं हूँ इसलिए फिर से यही कपड़ों में व्लॉग स्टार्ट हो गया। पर अभी सुबह उठ तो मैं कब की गई थी, दूध वगैरह पी लिया है, भाभी साहब मुमल दोनों गए अपना अपना, थोड़ा ठीक हो गए थे दोनों, तो एक वो कॉलेज चले गए, मुमल लाइब्रेरी चली गई, मैं बैठी हूँ, मुझे लग गई भूख, तो मैं नहाऊंगी तो बाद में नाश्ता आया गरम गरम, तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। काके सर ने परांठे बना के भेजे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का। और ये हेल्दी इसीलिए है क्योंकि ये आलू के परांठे नहीं है, ये है पत्ता गोभी के परांठे। सो पत्ता गोभी अच्छी होती है और ये उसके परांठे हैं। सो अभी मैं खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। सो नहा के मैं एकदम गुड गर्ल बन चुकी हूँ और अभी खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मन कर रहा है मूंगफलियाँ खाने का, तो अभी मैं सीखूंगी मूंगफली और गुड़ और मूंगफली खाऊंगी। मैंने ये मेरे गुड़ और मूंगफली तैयार कर लिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मूंगफलियाँ तो कच्ची है, बट गाइस ये कच्ची नहीं है, ये मैंने माइक्रोवेव में सेकी है, इसलिए ये बाहर से सही सीखी बट अंदर से एकदम सीख चुकी है, और उसमें सीखी भी बहुत टेस्टी लगती है। सो अभी मैं ये इन्जॉय करती हूँ। A few moments later. अब मुझे लंच करने की जरूरत नहीं है, आज मैंने इतना क्रेविंग्स पूरी करी अपनी कि डन हो गया, सब खत्म कर दिया, फिनिश। अब बन रही है चाय और मेरे लिए चाय मैं ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये सब लोग बहुत फीकी फीकी चाय बनाते हैं, मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं खुद की चाय खुद बनाती हूँ। भाभी सा तो आप दोनों पी रहे हैं कॉफी, और गाइस आप लोगों को याद होगा बचपन में मम्मी बीमार होते थे तो सर रुमाल लगाती थी दिखा देता रुमाल एक बार, जो इसने ये पिन लगा के रुमाल लगा रखा है नाक साफ करने के लिए जी यार। और ये दोनों बैठ के अभी पी रहे हैं कॉफी, मैंने तो चाय पी ली। The next morning. Hello guys, good morning. दो दिन का ब्लॉग कंटिन्यू में चल रहा है, पहले भी ऐसे ही दिया था, अभी भी ऐसे ही दे रही हूँ। एक दिन में जब बहुत ज़्यादा कम कंटेंट होता है तो मैं नहीं अपलोड करती, दो दिन का एक साथ करके कर देती हूँ। अभी ऐसा सच स्पेशल कुछ नहीं हो रहा ना, तो वही बेसिक बेसिक रूटीन भी मैं आपको रिपीट रिपीट करके नहीं दिखाना चाहती, इसलिए। क्यों चिल्ला रहा तू यहाँ बैठ के? मैं चारों तरफ देख रही हूँ तो पता बोल भी नहीं रहा है। क्या चाहिए तेरे को? उतरना नीचे, मैं तो नहीं उतार सकती तेरे को नीचे यहाँ से, उतर खुद से, बहुत वेट है तेरे के अंदर, भारी हो गया तू, अब उतर नीचे। यहाँ पे चल रही है मुंडिया सिक रही है, मुंडिया सॉरी गाइस, मूंगफलियां सिक रही है और ये मुंडियों के कवर लगा रहे हैं। मम्मी का बनाओ आज, हाँ बढ़ा लो सही, आओ तो नहीं आपने मोए मोए मम्मी बोल रही साले बड़े हैं मन के टीके बना बना आवे को नहीं मैं कि मोए मोए मतलब फरमाइश तो कर दी पर पता नहीं बनाना कैसे है। वाह मम्मी वाह, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पे मम्मी आज सबके साथ होगा। अरे ओ ओ दिखाऊं क्या असली असली क्या बोलती है ये ब्लॉग में सन्नाटा, ये फ्यू मोमेंट लेटर जो आजकल मैं खाए जा रही हूँ बस मम्मी मम्मी साजो बना भी लिया खा भी लिया गाइस किसी को साजा खाना है तो आ जाओ, लेकिन मैं तो करती हूँ अच्छा था, मैंने खाया बहुत सारा। एक जानवर जा रहा दूसरे जानवर खाना खिलाने के लिए, मम्मी हंसने को नहीं कहा था मैंने, सच्चाई बोली मैंने, इसलिए मम्मी को हंसी आई। मम्मा तुम्हारे बेटे तुमको अप्रिशिएट नहीं करते, आपने साड़ी अच्छा बनाया था, है ना? अच्छा था इसलिए तो मैंने खा लिया, इसलिए कहते पराये पराये होते हैं, अपने अपने ही होते हैं। निकलो यहाँ से, जानवर जाते हुए जानवर को खाना खिलाने
शादियों का सीजन स्टार्ट होते ही घरों में ये सीन दिखने लग जाता होगा, सभी रिलेट कर सकते हैं। अब भाभी साहब को जाना है किसी शादी में, तो वो अपनी 10 पोशाकें निकालेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे 2 जो उन्हें पहननी है। देखो अभी तो 4 बार ये खुलेगा, फिर डिसाइड होगा। सो गाइस, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से सबसे पूछना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि आप सबसे, तो मैं ये पूछना ही भूल गई कि आप लोगों के 22 जनवरी के क्या प्लान्स हैं। आई थिंक सभी के होंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे राम भगवान की स्थापना वापस से होने जा रही है वहाँ पे अयोध्या में। सो सभी को बोला गया कि उस दिन सभी को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हम हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे से फंक्शन करने वाले हैं। सभी घर डेकोरेट करेंगे, दिए जलाएंगे और बहुत सारे रंगोली वगैरह, मतलब प्रॉपर जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं सब रेडी होके, बिल्कुल वैसा करने की हम सोच रहे हैं। सो आप लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ज़रूर बताना, और नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए आप सबको, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन और बहुत ही शुभ दिन है वो, तो सभी अच्छे से सेलिब्रेट करें उसको और एक अच्छे दिन की तरह वो करें। और बाकी तो बस अभी थोड़ा मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, बोलती हूँ तो, और वैसे भी नॉर्मली भी। सो बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों के क्या क्या प्लान है 22 जनवरी के, क्या करने वाले हैं आप लोग अपने घर पे, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, गांव में, जहाँ पे भी होगा, सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है अभी तो। सो आप लोगों ने क्या सोचा है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।